السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلبة مرحبا بعودتكم إلى درس الحديث من جديد داعين الله جل شأنه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يسهل علينا الدروس والعلوم قايلين دعينا الله جل شأنه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वाहमसानी रबर अजीज़ जैसा कि आपको गुजश्त कल कुछ अदीस हमारी मुताल से रह गई थी तो तबीयत भी ठीक नहीं आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बुखार अभी नहीं उतरा इनशा कोशिश करेंगे जितनी अदीस आसानी से पढ़ ली पढ़ेंगे इनशा तो पिछली अदीस जहाँ से हमने तो किया था स्टॉप किया था वहीं से ही हम शुरू करते हैं लेकिन वैसे ये आज का जो सबक है वो इन अदीस पर मुश्तम है जो मैंने आपको आपके सामने शो किया है तेरह सौ सो सोलह से तेरह सौ सताई तक लेकिन हम शुरू करेंगे ते तेरह सौ एक हदीस जो है ये हम वहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि ये हदीसें हमारी चलते हैं अदीस की नसूस की जानब बराह राश किताब मिश्तुलमसाबी की जानब और देखते हैं अलफलिस ये जैसा कि आपको इल्म है कि ये तीसरी फ़सल ये माह रमज़ान के क्याम रमज़ानमबारक के क्याम से मुतक़ ये बाब है और इसमें तीसरी फ़सल है इसमें अब्दुलरहमान बिन अब्दुल्कारी रजील् से ये रवायत मरवी है अला कहते हैं खराज तो माह उमर बिनलताब मैं निकला उमर बिन ख़ता रजील्नु के साथ लई लता ने एक रात तिलमस्जिद मस्जिद नबवी की जानब फायदासाउन के जैसा कि हमने देखा कि लोग जो हैं वो ओजाउन मतफर कून मुख्तलफ और अलग अलग जत्थों की शक्ल में ग्रोहों की शक्ल में थे युसलीजुल्फ़ से ही कोई तो आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा था व युसलीजुलो फा युसली बेसरातरा और कुछ ग्ररोह जो हैं वो नमाज पढ़ रहे थे नमाज बाजमात और कुछ लोग अकेले नमाज पढ़ रहे थे युसल्जल नफ्स ही व युसल रजुलसली बैसलाते और राह तो कि वो अपने ग्रो फॉलोअर्स को नमाज पढ़ा रहा था कोई फकाल उमर रजी रजील्लामर रजील्ला ने फरमाया देख कर इन्नी लौ जमात हाउलाई अला कौर इन वाहि दिन लकान अगर मैं इन सब को एक कारी पर इकट्ठा कर दूं, अलाकार इन अदिन लकानाम साला तो ये बड़ी ही उम्दा और अच्छी बात होगी अच्छी मिसाल होगी सुम्मा आज़मा फिर आपने उनको तौकीद के, उन्हें जमा किया इकट्ठा किया हुक्म दिया ठीक है फज़ामा और उनको जमा कर दिया आप जानते हैं उम्मत के बहुत बड़े कारी और आलिम थे। सुम्मा रावी अब्दुलरमान बिन अब्दुल कारी कहते हैं रजी के खरज तो माउलत नखुरा फिर एक रात में उमर रजी के साथ निकला एक और रा, रा, रात रात वन्नासुसलून बेसलात कार एहम तो लोग जो थे वो अपने कारी यानी उबई बिन का बरजी अल्लाह की इमामत में इकतदा में नमाज पढ़ रहे थे तला तरावी की काला उमर रजी अल्लाह उमर रजी ने जब ये देखा तो फरमाया रे न्यामत बिदा तो हाज ही क्या की क्या ही उम्दा नय, नया अमल है ये ठीक है जी बाज नमाज तरावी जो है क्या ही अच्छी अच्छा अमल है या अच्छी आदत है ठीक है ना तो हाजही वल्ला तनामू नाना अफदलो मिनल्ला तक और वो गड़ी रात की जिसमें तुम सो जाते हो वो इबादत के अतबार से अफजल है ज्यादा फजीलत वाली है मिनल्ला उस रात की घड़ी से तकमोना जिसमें तुम पयाम करते हो युरीद व आखिरल्ल वो इससे मुराद ले रहे थे मुराद ले रहे थे रात का आखिरी पहर तो बाज लोग जो या अक्सर जो थे वो शुरू रात में तजुद पढ़ लेते या क़याम कर लेते थे लेकिन उमर रजील ने उन्हें तरगीब दिलाई कि ये आखिरी घड़ी जो है ये बेहतर है उस घड़ी से जिसमें तुम क़्याम करते हो वकान अन्नास यकुम नव और उस वक़्त लोग जो थे शुरू में रात के इब्तई हिस्से में रात का क़याम करते थे वाज अखिल इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया है और सही हदीस है में तलबा बिदातु हाजी ही का मफहूम ये है कि ये नई बात बहुत ही अच्छी है अच्छा अमल है ये तो लुगत में बिदात लुगत में बिदात नई चीज को कहते हैं जबकि शरीयत में वो नया काम है जिसकी असल वही अला यानी सुन्नत में ना हो क्योंकि तरावी की असल शरीयत शरीयत में है इसलिए रजी का ये, का ये कहना लुघवी एतबार से था क्योंकि असल त्रावी की असल सुन्नत में मौजूद है बाद नादानों ने शरी बिदत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि बिदत हसन और बिदत सये शर बिदात को शरीय बिदत कोई भी हसना नहीं हो सकती जो शरी बेदत है कि हो भी शरी और वो भी, भी बिदत शरी ऐबार से वो अच्छी नहीं हो सकती उसके बारे में अल्लाह के सूर सल्लम का ये फरमान है कुल्लु बेदिन दलाल वकुल्लु दलाल फिनार हाँ सल्लम का फरमान है कुल्लु बिदात दलाल हाँ जी तो ये जेन में रखिएगा इससे मुरा लुगवी भी देता है कि नया अमल अगर तुम्हें रजी अल्लाह ने जो, जो फरमाया था दूसरी अदीस है यह वानी साहब इबन यजीदा ये भी बड़ी मारूफ अदीस है इमाम मालिक रहमाउल्ला से मोता इमाम मालिक में सही अदीस है साहिब बिन यजीद रहमाउल्लाहु ताला कहते हैं अमर उमर उब, उमर उबैय बिन काबिन व तमीमा तमीमन अद्दारिया उमर रजी बिन काब और तमीम दारी रजी अल्लाह नुमा को हुक्म दिया वो लोगों को रमजान की रातों में क्याम करवाएं बेहद अशरत रन ग्यारह रकत अब देखिए रक़त हो सही बुखारी की आशा रजील से भी यही अः सही हदीस जो है इसकी तायद करती है फकान अलकारी बिल में आए और उस वक़्त कारी जो थे वो पढ़ते थे एक रकत में एक तरावी में दो सौ आयात तक अल्लाह अकबर हत्न्ना दो मिनतुल क्याम यहाँ तक के हम तूल क्याम यानी लम्बे क्याम की बिना पर हम लाठियों के सहारे खड़े होना शुरू हो गए इतना लम्बा कयाम था कि लाठियाँ लेकर हम खड़े होना शुरू हो गए जवान भी फमा फमाप उन्ना नमसरफ व्लाफी फ़रूल और हम नहीं फिरते थे लौटते थे इस लैल से मगर फजर तलु होने से कुछ देर पहले इल्ला अफी फ़रूल अरबा मालिक इमाम मालिक ने नेत किया है हदीस की सनद सही है नमाज तरावी मसनून आठ रकात है जबकि बग़ैर हदबंदी के, के आइमां और सलफ़ सालीन रहुल्ला से मुख्तलिफ तादाद मनकूल है इक्यालीस थर्टी एट अड़तीस थर्टी सिक्स छत्तीस थर्टी फोर चौंतीस ट्वेंटी फोर चौबीस ट्वेंटी बीस और एलेवन ग्यारह <coughs> तो ये मुख्तलिफ अहल इल्म ने त्ररावी सलाते त्ररावी यानी क्या समझ कर इसमें वो है पढ़ी लेकिन इसमें किसी का अख्तलाफ नहीं कोई जो सुन्नत है वो ग्यारह रकात है नबी वसल्लम ने ग्यारह रकत से खुद नहीं पड़ी ज्यादा बाकी आप जो ये ग्यारह पढ़ते थे रकात वो इतनी लंबी होती थी कि जैसा कि आप उनके क्रा जो हैं वो भी आप देखिए साहबा जैसा कि ऊपर सायबिन यजीद की ये हदीस गुजरी है कि हमें लाठियो के सहारे खड़ा होना पड़ता तो लंबा क्याम होता था होता ग्यारह रकत आज के लोग जो है अनाफ ने वितर के अलावा बीस रक़त को वाजब कर रखा है मखसूस कर ली है और इन्हें ही सुन्नत करार देते हैं नवजुबिल्ला हदीस की सनद हसन है ये आगे आगे की हदीस है इसको बाद में पढ़ते हैं तो बहरल ने कहा है कि सुन्नत बीस है इसकी कोई दलील नहीं है सही हदीस में अल्लाह आगे हदीस हमारे पास आरज हाँ रहमा से वरिरा आरज़ी कौल हाँ। नहीं पाया लोगों को। कहते इल्ला मगर, मगर वो लानत करते थे काफरों पर फी रमादान रमाजान में यानी वो रमाज़ान में बद दुआ करते होंगे लंबे क्याम में उनके खिलाफ दुआ करते थे और और ये भी फरमाते हैं रावी वकान अलकारी सूरत अलबाक फी समान रका और कारी जो था वो पढ़ा करता था पूरी सूर बकर आठ रकात में फी समान रकातन आठ रकात में जो कमो बेश ढाई पारों के बराबर है हाँ दो सौ छियासी गलबन आयात है हैं अंदाजा कीजिए फैजा काम फीसिन तरत हाँ और जब अपना कारी जो है वो इन बकरा को पढ़ने लगा तेरह रकत, रकत में आठ रकतों की बजाय उसने इसको तकसीम कर दिया तेरह रक्तों में तो जाहिर है कि कुरान मजीद की तिलावत कम हो गई डिवाइड हो गई तेरह रक्तों में पहले दस रकात आठ रकात में थी तो तेरह रखते आ गई हाँ जी तो रन्नासोन्ना काफा तो लोगों ने समझा महसूस किया कि अब नमाजरे हल्की हो गई है देखिये दरा ये था अंदाज साहब और तबी निज़ाम कायामे रमजान में रवा मालिक मालिक ने रवायत की है और मशक्क़त तो उस वक़्त हमसे ज्यादा थी आज तो बड़े वसाइल हैं मशीने हैं उस वक़्त सब कुछ वो अपने हाथों से करते कमाते ये हदीस जो है इसकी सनद हसन है यानी सही है तो क्याम राम में लंबी किरात की दलील है और इसी तरह हाँ पूरे ये पारे पढ़ने की पूरा एक एक पारा पढ़ने की नफी अच्छा एक तरावी की नमाज में एक तरावी की नमाज में एक दिन पूरा पारा पढ़ना इसकी भी नफी इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि लोगों ने मुक्री कर लिया हुआ कि कुराने मजीद मुकम्मल करना है बहरहाल इसको हम रोकते नहीं इसलिए कि लोगों ने एक निसाब कुराने मजीद का मुनासिब सा मुतन कर लिया हुआ है साहबा इससे बहुत ज्यादा करते थे लेकिन इसको मुक्त नहीं करना चाहिए इससे कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है अच्छा जी आगे हमारे पास हदीस तेरह सौ चार वन अब्दुल बबिन अभी बकर समेत व उबैन रजियाल्लाकूल कुल्लाफी रमाबान बामाफत फोतरे वफ़ी उतलमालब्दुल्ला बिन अभी बकर रजील से यह रवायत है वो कहते हैं कि मैंने सुना उबी बिन क़ाब रजी से कहते हुए यक़ूलो कुल्ला नन शारफ़ी रमदान्क़याम रमजान मुबारक के महीने में कयाम करने के बाद वापस जब घरों को लौटते फनस्ता जलदिमा बिताम तो हमारे जो मुलाजमीन होते थे खुदाम खादिम वो जल्दी करते खाने की तैयारी में मखाफत फ़ौत सहूर इस डर से कि कहीं शहरी का टाइम जो है वो निकल ना जाए फ़ौत ना हो जाए शहरी के फ़ौत होने के डर से वफी ओखरा और दूसरी रवायत में ये मखाफत अलफजर फ़जर के निकल जाने के खौफ से रवा व मालिक मामालिक को रवायत किया तेरह सौ चारदीस तो अजीज तलावा ये जो तेरह सौ चार अदीस है इसकी सनत हसन यानी सही है ठीक हो गया क्या? कयाम रमजान में लंबी किरात और एक ही कयाम करने का सबूत ठीक हो गया जी तो लोग अपने आप को थकाते हैं और ग्यारह रखते हैं बल्कि बीस पढ़ के फिर तजुद पढ़नी शुरू कर देते हैं और फिर सुबह जो हाल उनका होता है वो आप जानते ही हैं कई और जो चीजें उन पर फर्ज होती हैं, वाजिब उनमें रुकावट बनती है हाँ ने एक चीज उन पर लागू नहीं की और वो खुद उस पर लागू करते हैं अपने आप पर अल्लाह इसको पसंद नहीं करते हाँ काम वो करो जो कर सकते हो इजीली और डेली करो आगे अजी तेरह सो पांच अदीस वन रजील नबीमकाल अल्लाह अल्लाह है कि के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल हादी लेला, यानी लेला तन निस्फ मिन शाबान, क्या तुम जानती हो कि इस रात में यानी शाबान की निस्फ, रात यानी पंद्रह शाबान जो है यो शब कदर मारे मनाई जाती है इसमें क्या क्या फजाइल और बरक़ात और समरात हैं क्या तुम जानती हो कल कहने लगी माँ फी हा या रसूल के क्या है इसमें रसूल क्या अजर सवाब है इसमें फ़काल आपने फरमाया फ़ी हाइयु कुन मेम बनी यादमा कि इस रात जब आती है तो हर पैदा होने वाला बच्चा उसको लिखा जाता है आदम के बेटों में से फी हादी सना इस साल यानी उस साल में जिसने भी पैदा होना होता है उसका नाम लिखा जाता है वफ़ी हाइयु तबाह कुल्लो हालिक मेम बनी आदमा सना और इसी तरह आ, लिखा जाता है हर उस शख्स का नाम जिसने हलाक होना हो यानी जिस जिसने मरना हो मौत की आगोश में आना हो इस साल आदम के औलाद में से फिजाजना वफ़ी तरफ व अमाल हम और इसी में उनके अमाल भी उठाए जाते हैं पंद्रह शाबान को वफ़ी तनजलो अर्ज़ाक हम और इसी पंद्रह शाबान को उनके रिजक जो है वो भी उतारे जाते हैं यानी लिखे जाते हैं कि साल इसको कितना रिजक मिलेगा फ़कालत रसी ने फरमाया या रसूल अल्लाह के रसूल ला सल्म मामला के अल्लाह के रसूल कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो कि जन्नत में दाखिल हो हो सकता हो मगर अल्लाह की रहमत के साथ अल्लाह की रहमत के सिवा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा वकाल आपने फर मामद रहम्ल बिल्कुल सही है जो आपने बात कही मामा बरम तर्जुमा इसका फलासन आपने तीन बार ये अल्फाज कहे कुल तो मैंने कहा शर्जी कहती हैं वाला और ना आप के रसूल सल ही तो इस पर अल्लाह के रसूल ने अपना सर अपना दस्ते मुबारक अपने सर की चोटी पर रखा फरमाया वला आना और ना मैं दाख जन्नत में रहमत ही मगर ये कि अल्लाह जल्ला शाहू अपनी रहमत के साथ मुझे डांप ले हाँ यकूल हुआ थलाश हमर रातन आपने इसको तीन बार ये अल्फाज फ़रमाए रवाबह ऑफ इद्दावातुल कबीर इमाम बहकी ने इसको आ, किताब अदावतुल्कबीर में आ, रिवायत किया है लेकिन जो इसकी अपना संद है वो बल्कि जितनी भी इसनाद हैं इस शाबान पंद्रह शाबान के हवाले से वो सब ज़यीफ़ हैं बल्कि कई जो हैं वो मौदू हैं सोए एक आदमी एक रिवायत आगे आ रही है उसको बाद ने कहा है कि ये कदरे बले कबूल है जो आगे आ रही है तो हदीस की सनद जयफ इसलिए कि इसमें मजहूल और जयीफ रावी हैं ठीक है जी हाँ जी जीस की जहाँ भी सनद है है नीज इसके शवाहिद भी जयीफ हैं हदीस में मजकूर लफ्ज हम तो उनका मतलब है सारी यानी दिमाग इस पर आपने हाथ रखा फरमाया तेरह सौ छह दिस है आगे दिस तो इसको इसकी इज्जत नहीं है ना ये सही है इसको तो क्रास लगाइए लोग बहुत ही बयान करते हैं पूरे पूरे जलसों में पूरी पूरी रात हदीस को बयान करते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता से है, सनद के नबी बांधने का इरतकब है ये बगैर इल्म के आ नबी मूसअलाशरी रजी रसूल कौल अबू मूसा आशरी रजी रिवायत है वो अल्लाह के रसूल से रिवायत करते हैं मरफू अल्लाह शाबान को शाबान की निसफ रात में शाहबान फया फिर खल के ही तो वो मुआफ़ कर देता है अपनी सारी मखलूक को इला मुशरकन और मुशाहन सवाय मुशरक और या की परवर जो किसी के बारे में की रखे दिल में उसकी नहीं होती माज़ा ने रवायत किया तेरह सो छो ने इसको कहा तो महक् जो है वो कहते हैं कि ये भी ज़यीफ है और इसमें मजहूल और ज़यीफ रावी है हदीस मे मुशाह उनका मतलब है कि नंटर लाइन कीजिए और आगे हदीस आई है तेरह सौ सात रबाद इमाम अहमद ने अपनी मुस्त में रवायत किया है यही इसी अदीस को अपना अदीस बिन लास बमरबिन बिन अमर बिन लास रजी अल्लाह ते वफ़ी रिवायत ही और उनकी रिवायत में ये अल्फाज हैं इसन हाँ ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन अल्फाज का माना वही बनता है लमशरकिन और मुशाहन यहाँ है जो कि इमाम अहमद की रवायत बिन बन बिनास रजील्ला नौ से उसमें ये अल्फाजाई ने मुशाहिन के दो शख्स जो है उनकी बफ्फरत नहीं होती है किन्ना परवर और दूसरा खुदकुशी करने वाले के सिवा अल्लाह सबको को देता है तो ये अधीस भी तेरह सौ सात जैसा कि मैंने कहा है कि ये सारी हदीसें ज़यफ़ हैं इस सनद में इब लहिया जो है ज़यीफ रावी है अच्छा यागे है तेरह सौ आठ हदीस वह बिन नबी तालिब काला काला ये भी बड़ी सुनाई जाती है ज़ैफ़ है बल्कि मौजूक किया रजी कला बिनबी तालब रजी से रवायत है, है वो कहते हैं कि रसूल ने फ़रयाद शाबान जब पंद्रह शाहबान होती है फकूम ला तो तुम लोग क्याम करो उसकी रात को वसूम यौमा हा और दिन को रुज़ा रखो को। फिन तन जिलुफ़ी गरूब शम से लम इसलिए कि अल्लाह ताला इस रात को नजूल फ़रमाता है गरूब शम से लेकर समाय दुनिया आसमान दुनिया की जानब यानी जब सूर्य गरूब होता है तो उसके साथ ही अल्लाह नजूल फ़रमाता है नाजल होता है आसमान दुनिया पर दुनिया फ़ैकूल और फरमाता है अलामिन मुस्ताक फिर आगा रहो कि कोई है बख्शिश तलब करने वाला फाग फिर तो मैं उसको मुआफ़ कर दूं अला मुस्तरदन फारदोका हूँ क्या है कोई रिजक तलब करने वाला कि मैं उसको रिजक दे दूं अला मुबतलन फाफ़िया हूँ या कोई बीमार तंगदस और मुसीबत जदा कोई बीमार हो सकता है लेकिन ज़्यादा बीमार मुबतलन फवाफिया हो तो मैं उसको आफियत दे दूँ अला ख़बरदार आगा रहो कदा अला कदा हाँ ये और वो कोई भी हो अल्लाह शाह अल्फाज बयान फरमाते और ऑफ़र करते हैं या हो यहाँ तक फजर तुलु हो जाती है से लेकर तलु फजर तक ये ऑफर होती रहती है और अब ना इसमन माज़ा ने रवायत की है तो जैसा कि मैंने कहा कि हदीस जो है इसकी सनत इंतहाई ज़यफ़ बल्कि मौजू की हद हाँ तक है हदीस में लफ्ज मुस्तरद उनका मतलब है रिजक तलब करने वाला तो आपको तो जी तलबा याद होगा कि लैल में हमने यही अदीसी अल्फाज से करीब करीब पढ़ी थी कि ये अल्लाह अल्लाज शाहान का नज़ूल सही अदीस में आता है कि हर रात होता है यानी जब भी आदमी उठता है लैल को और सहज़ुद की नमाज पढ़ता है तो जब दो सुलस गुजर जाते हैं तो तीसरा सुलस आता है तो यम्बोना तबारोल लख़ीर और फिर खरी तीसरा पैर जो है अल्लाह तबारा फरमाता है और यही ऑफर्स अल्लाह की तरफ से आती हैं, उतरते हैं। तो ये, बिल्कुल सही है। और ये इसको ये जो शाबान शाबान के साथ इसको करना है तो, तो अल्लाह ने हमारे लिए रहमत का ये दरवाजा डेली खोल दिया है अब लोग क्या करते हैं देखिए अब आप अभी ये वक़्त दिन गुजरा है ना रसूल वसलम की योम विलादत का तो पहले तो बिल्कुल किसी को पता नहीं कि योम विलादत कब थी कोई हतमी किसी के पास दलील नहीं है ओलामा के मुख्तलिफ अकवाल हैं शायद अल्लाह ने इसीलिए इसको अंधेरे में रखा कि लोग बिदात खुराफात का शिकार ना लेकिन लोगों ने फिर क्या किया गैर शरीर काम किए किसी एक ने भी सोमवार का रोजा नहीं रखा जो कि अपनी विलादत के तशक् में रखते थे वो क्यों भी नहीं रखता लेकिन ये देखो जो गैर मसनून और जो मौजूद रिवायत में है इसका रोजा कदर में सारे अपना कदर कह रहा हूँ शब कदर में सारे रखते हैं सारे जितने भी जाहल हैं इल्ला माशा आगे आते हैं चाश्त की नमाज ये भी बड़ी मारूफ है नफली नमाजों में से नमाज चाश्त का बयान ये भी आप वसल्लम ने चाश्त की नमाज़ पढ़ी है अदा फरमाई है लेकिन इस पर आपने दवाम नहीं किया यानी आपने हमेशा नहीं पढ़ी छोड़ी भी है कभी क्योंकि नबी वसल्लम ने तजुद नहीं छोड़ी जो सबसे ज़्यादा अफजल है क्योंकि आपका फरमान है कि फ़र्द नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज तहजुद की नमाज है क्योंकि लेना है मशहूद आतन क्योंकि वहाँ फरिश्ते जो हैं वादर होते हैं इंसान की गवाही के लिए उसकी हक़ में दुआ के लिए तो इसलिए आप वसल्लम उस पर फरमाई है लेकिन बाकी आपने चाश्त में आपने आपनेशी नहीं की लेकिन पड़े हैं जैसा है, है कि इस हदीस में मौजूद है नबीम उनके गार तशरीफ लाए योम फते है मक् मक्न फखला तो आपने गुसल फरमाया वसल रकात रका तो आपने आठ रकात नमाज फरमाई फलम मारा सलातन खफ में मैंने कभी भी आपको इतनी हल्की नमाज पढ़ते नहीं देखा वही रानना हूँ युति हाँ आप हल्की नमाज तो पढ़ रहे थे लेकिन प्रॉपर तरीके से सजूद मुकम्मल कर रहे थे कई राना हो युति व सजूदा वकालत फी रिवायत नुरा आय हानी रज़ी कहती हैं कि एक रवायद दूसरी रवायत में ये उनके अल्फाज हैं कि बदाल का दुफन कि ये नमाज जो थी आठ रकात ये चाश्त की नमाज थी मुतफ़ाकन हदीस सही है तो मालूम हुआ कि आठ रकात जो है वो नमाज भी पढ़ी जा सकती है दोहा की चाश्त की कम अज़ कम दो ज़्यादा से ज़्यादा आठ बाद में बारह का जिक्र भी है लेकिन वह अदीस जो है वो सनत के अतबार से जहाँ तक मुझे इल्म है वो सही नहीं हो सकता है कोई सही अदीस भी हो वलवाब अल्लाह तो सलातहा का मतलब है चाश्त की नमाज चाश्त की नमाज मसनून है मगर नबी मुकरम ने ये नमाज हमेशा नहीं पढ़ी कभी पढ़ लेते थे और कभी नहीं पढ़ते थे आगे हमारे पास हदीस तेरह दस नेक्स्ट है माज़ा ना से ही रवायत कल वो कहती हैं साल तो आयशत रज़ी कि मैंने आयशा रजी ना से पूछा हम काना रसूल सल्लम यूसली के रसूल सल्लाम कितनी रकात पढ़ते थे यूसली सलात दोहा नमाज चाश की नमाज़ कालत तो उन्होंने आगे से जवाब दिया हर बार अकातिन चारखते पढ़ते थे व यजीद माशा और जितनी चाहते उसमें ज़्यादा भी कर लेते तो जैसा कि ये जिक्र हुआ है कि हमेशा एक, एक जैसी रकात नहीं पढ़ी आपने अच्छा जी हदीस में अल्फाज आगे तेरह सौ ग्यारह हदीस बड़ी मारूफ है और सही है मुतफ़ल है और तो बड़ी अहम है मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इस हदीस को पढ़ के अमल करें और इसके समरात देखिए अल्लाह के करम से अपनी जिंदगी में देखना इस पर असरा क्या है वानबी जर अबू जर गिर रजी से रिवायत कला वो कहते हैं काला रसूल फरमाया, हो अला सुलामा मिन के रसूल ने रिशात फरमायादा खतुन के सुबह हर सुबह जब आदमी करता है तो अलाकल सलामात तो उसके तमाम जिसम के जोड़ों पर तुम में से किसी एक के तमाम जिसम के जोड़ों पर सदा सादका खतुन है हर सुबह नई सुबह ये नहीं कि एक दफ़ा कर ले और फिर हफ्ता छोड़ दे रोज़ाना वकुल्लो तस्बी हतिन सदा का हर तस्बी सदका है सुबह अल्लाह वकुल तहमीदिन सदा का हर तहमीद अलहमदल्ला सदक़ा है वकुल्लो तहलील तहलीलतिन हर तहलील ला कहना सदक़ा है वकुल्लो तकबीर तकबीरतिन सदा का और हर तकबीर अल्लाह अकबर कहना सदका है वाममारूफ सदा का तुन निकी का हुक्म करना चलते हुए सदका है वना ही निलमुन कर बुराई से रोकना ये सदका है सदका तवायु जजो मंजाले का और इस सारे आमाल से काफी हो जाता है क्या काफ़ी हो जाती हैं रकातान दो रखते यर का मा मिनत दुहा जो कि वो चाश्त की दो रखते पढ़ता है सुबह अल्लाह तो सुबह सवेरे दो रखते की पढ़ ले तो ये सारा जितना भी हजर सवाब है उसको हासिल होगा बहुत ईजी है मामला अच्छा जी तेरह सो ग्यारह जो है इस हदीस में अल्फाज अलाकाम को अंडरलाइन कीजिए इसका मतलब है जिसम के हर जोड़ पर आगे तेरा सो बारह आई यह है अरकम से उन्होंने देखा है कौम को युसलून मिन जो के नमाज चाश्त की पढ़ रहे थे फक तो उन्होंने कहा लकद आलिम सला गई रिहा कि इन्हें इल्म इन बात का कि इस वक्त जो ये नमाज़ पढ़ रहे हैं चाश्त की आ, इसके अलावा चाश्त की नमाज पढ़ना इसके अलावा वक्त में अफजल है जिस वक़्त ये पढ़ रहे हैं कदाल सला गई रिहाजी असाता इस घड़ी या इस वक्त के अलावा नमाज ये पढ़ना ज़्यादा अफजल है अफजलो अन्ना रसूल सल्लमकाल के रसूल सल्लम ने फरमाया सलातलवाबी इन तर अबूल कि वाबीन की नमाज जो है वो वो है कि जिस वक्त ऊटनी के बच्चे गर्मी की शिद्दत से ही न तरमसल फिसाल मासूस करें गर्मी मासूस करें हैं इसको फिसन में रखिएगा सलातुलवाबीन तो बाद लोगों ने सलातुलवाबीन मगरब के बाद बनाया हुआ है सलातुलवाबीन है चाश्त के बाद जोर से पहले जवाल से पहले पहले ये नमाज है सलातुलवाबीन ही न तरमादुल्फिस जिस वक़्त के ऊंटनी कि बच्चा जो है उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से रेत गर्म हो जाने की वजह से वो उसके पैर जलना शुरू हो जाए तो यह है हिन तरमिस इसको अंडरलाइन कीजिए कि जिस जबूट के बच्चे के पाँव शिद्दत हरारत से रेत गर्म हो जाने की वजह से गर्मी महसूस करें सूफिया कराम चाश्त की नमाज को सलातिन का नाम देते हैं अच्छा जी मालूम हुआ कि चाश्त की नमाज अगरचे दिन के आगाज़ में पढ़ना जायज़ है मगर अफसल वक्त वही है जब धूप की शिद्दत से रेत गर्म हो जाए और मगरब के बाद उसका कोई तसवर ही नहीं हाँ जी तेरह सौ तेरा तो सलातराक और सलातुल्दुहा और सलात ये तीनों किस्म की नमाजें ये जोर से पहले पहले फजर के बाद पूरे निकलने के बाद हैं इसी दूसरी फसल है अजीज तलाबा इसी बाब की हाँ अबू दरदा रजी अल्ला से मरवी है वाबी जर रेन अबू जरगफ़ारी रजी अल्ला से कल दोनों ने यह रिवायत की रसूल सल्मा तबारक वाल के रसूल सल्लम ने अल्ला तबारक वाली से ये रिवायत की यह कुदसी है जिसमें नबी मुकर्रम सनु की नस्बत से गुफ्तु फरमाते हैं यादीस बयान करते हैं उसको दिससे खुदसी अल्फाज कोई भी हो सकते हैं अन्ना उकाल अल्लाह ज्ला शाह ने ना आदम की औलाद बेटे एर कि चार पढ़ मेरे लिए नहारे दिन के आगाज में। चार तो मैं तुझे काफी हो जाऊंगा उस दिन के आखिर तक सुबह अल्लाह देखो जरा चार रखते पढ़ लो और दिन के आखिर तक जनाब आप अल्लाह की तह, तहवील में अल्लाह की मदद अपना हिफाजत में हाँ जी तो ये दीज सही है और इसके मजीद शवााह भी हैं मिशकात के बाद नुस्खों में दो रावियों के दरमियान वओ के बजाय अओ के अल्फाज हैं ये ना आनाबी दरदा व अभी दर तो बाद नुस्खों में ये लिखा गया है आनाबी दरदा अबी दर्रेन अबू दरदा या अबी जर दोनों में से किसी एक रवायत है लेकिन आगे जो अल्फाज हैं ना कौला दोनों ने कहा ये इसकी नफी करते हैं क्योंकि यहां मुराद अबू दरदा व अभी जर ज्यादा सही है कला की वजह से कि ये दोनों हैं वरना कला ना होता कला होता सिर्फ हाँ कला जो है तस्नी है दो के लिए तो आगे है तेरह सौ चौदह रवा व वबू दाबूद वरवा अबू दाबूद व दारमी अनवई बन हमदानी ये वाहमद इसी हदीस को जिक्र किया इमाम तरमजी ने अपनी जाम तिरमेजी में और इमाम अबू दाऊद ने और इमाम दारमी ने नीम बिन हमाज अलफानी से व आहमदून और इमाम अहमद ने भी इन तीनों क़राम सहाबाक अल्लाह रजीम से रिवायत किया है इसी रिवायत को इस अदीस को इन अल्फाज में तो मालूम हुआ कि एक और अदीस जो है इसके मिल गई इसकी गवाही में या सबूत में या शाहिद तेरह सौ चौदह अदीस तो ये तेरह सौ चौदह जी जो है माकबल की तरह मुस्त के सनत के अतबार से सही है हाँ जी आगे आगे तेरह सौ पंद्रह आगे, आगे दीस है अबरादा काला कहते हैं समेत रसूल यकूल मैंने सुना अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए यकूल हो फिलसान के इंसान में तीन सौ साठ जोड़ है खलासुम तसद का अनकुल्ले अन मिन हो बेसदा का तो उस पर यह लाजम है कि वो जिसम के वो हर जोड़ के बदले में सदका दे काले है यहाँ तसद का अनकुल्ले मफसलिन मिन हो बेसदा का हाँ जी कार ने पूछा तीक का या नबी या के न्ला के न्ला न्ला इस अमल की कौन ताकत रखता है ये तीन 360 जोड़ों का अलग अलग आपने फरमाया फिल थूक वगैरह को हटा देना मस्जिद से फेनुहा यानी तू उसको दफन कर दे कच्ची जमीन में क्योंकि उस वक्त अमल होता था मस्जिदों में तो कोई इस किस्म की हरकत करता तो कोई शख्स आकर उसको दफन कर दे मस्जिद की वजह से ये बहुत बड़ा नेकी कामल है वह शही तो नक ही है यानी तरीक और एक चीज वैसी जो कि तू हटा दे उसको रास्ते से यानी तकलीफ दे को पत्थर या कांटा या इस किस्म की चीज़ है तो उसको रास्ते से हटा दे फाइल लम तजिद और अगर तू ना पाए ऐसा मौका सुबह तीन सौ साठ अपने जिसम के जोड़ों से सदका देने का तो फ़र्क आता अब दोहातो जो तो फिर चाश्त की दो रखते जो है वो तुझे काफ़ी हो जाएंगी तो भे दो रखते वजू करो और चाश्त की दो नमाज पढ़ो और काम पे निकलो अल्लाह इन चार पढ़ लो जैसा कि पहली हदीस में है अल्लाह की हिफाजत में होगा रबाबू वबूदाबूद से इमाम अबू दाबूद ने रिवायत किया है और ये तो बहुत ही अपना सादत की बात है कि अगर इंसान रास्ते से चीजें हटा दे जो कि तकलीफ दे हो जैसा कि दीगरा हदीस में भी आया है हदीस तो में लफ्दी की सनद हसन यानी सही है और हदीस में मफ से से मुराद है इंसानी जिसम का जोड़ और हदीस में इबारत तो है यानी तरीक का मतलब है तू इस चीज़ को रास्ता से हटा दे और इसी हदीस में लफ्जा का मतलब है थूक वगैरह तो अजीजा ये हादीस जो तीन ता का तल्लक हमारे सबका सबक से था खासी अदीस थी जो कि खासा लम्बा लेसन था गुजशता उससे पहले दिन का आज के दिन ये हदीस हमारा जो लेसन है तेरह सौ सो सोलह से शुरू होता है वह आते हैं इसमें से भी दीसें कुछ पढ़ते हैं दस मिनट हमारे पास हैं शाह दस से भी पंद्रह लगा लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए छोटी दीशें हैं और आसान हैं अनस रजी अल्लाव से रवायत काला वो कहते हैं काला रसूल सल वसलम के अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया मनसल्लब दोहा जिसने चाश्त की नमाज पढ़ी सिंता या शरा आता रकातन बारह रकात देखो ना यहाँ बारह का जिक्र आ गया है बन अल्ला कसरन मिन जहा बिन फिल जन्ना तो अल्लाह उसके लिए एक महल बनाएगा सोने का जन्नत में प्रभा तिरमजी वबन माजा वकालत तिरमजी आजा दीसन गरीब उन इमाम तिरमजी कहते हैं यदीस गरीब है लाना रिफुल्ला मिन हादल वज हम इसी तरीक से इसको जानते हैं तो जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि ये हदीस बारह वाली सही नहीं है तो सनत में मूसा बिन फलान बिन अनस मजहूल रवी है और इसके शवाहद भी ज़ईफ़ हैं इस हदीस के लिहाजा दो और दस दो और आठ वाली हदीस सही है ज्यादा से ज्यादा जो उम्मे हानी के गारा आपने फतेह मक्का के दिन पढ़ी आगे है

अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया मन शरफ़ मुनसलात है जो शख्स बैठा रहे अपनी नमाज में जिस वक्त सलात सुबह, जिस वक़्त के वो वापस पलटे सुबह की नमाज से या फार हो सुबह की नमाज़ फजर की नमाज से तो अपने मुसल्ला पर ही बैठे रहेस यहाँ या तक कि वो सूर्य निकलने के फ़ौर बाद या थोड़ी देर ठहर के दो हैं दोहा चाश्त की पढ़े ला यकूल खैरन और इस दौरान इस वक्त में खैर की बात करे बात। वो फिर हो तो उसके सारे गुना माफ़ कर दिए जाएंगे वह इम्कान अक्सर बहर अगर के वो गुनाह उसके समंदर की जाग से भी ज्यादा हूँ हदीस क्लियर है लेकिन दीस में रावी जुबान ज़ुबान बिन का जुबान बिन फायद है जिसे जमहूर ने ज़ीफ़ कहा है और इसके शवाहिद भी ज़यीफ हैं हदीस बहर का मतलब है समंदर की जाग आगे है तेरह सौ अठारह हदीस नेक्स्ट तीसरी फसल है इसकी अबूर रजील्ला रसूल अल्लाह केसूल ने फरमाया मन फ़ालास ने फाजत की चाश्त की दो रक्तों की शुफा वो फिरतल जनूब हु तो उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा अगरचे उसके गुना समंदर की जाग के बराबरी क्यों ना होंगे तो, तो चाश्त की दो रक्तें हैं शुफा तो दोहा इसका मतलब है चाश्त की दो रक्तें ठीक है जी हदीस की सनद जो है ये ज़ईफ़ है

तब भी, भी नहीं छोड़ूंगी इतना ज़्यादा ये हम वो समझती थी इनको मालिक रवामालिक मामालिक ने उसको रवायत किया है तेरह सौ उन्नीस रवायत और सनत सही है जबकि बाद लोगों की ये तहकीक है कि सनत में जैद बिन वसलम का आयशा रजी से सिमा साबित नहीं वल्लवा और अदीस में अल्फाज नौशरअली अबावा का तर्जमा है अगर मेरे वालदे भी जिंदा कर दिए जाए

नहीं छोड़ेंगे इनको वही हुआ और फिर आप छोड़ देते इनको हत्या यहाँ तक कि हम कहने लगते कि ला लिया कि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो दोनों तरीके थे आपकी नहीं की जैसा इसको रिवायत किया है, तो की सनद है कि सनत में अतिफ मुदी है।, है सही नहीं है ये अजी सला थोड़ी सी गलती हो गई है ये तेरह सो अठारह दिस जो है ना पिछली ये इसकी सनद दईफ है शफातहा वाली ये जो है ये ऊपर जो है ना मैं पढ़ी है अभी शफातुल्जोहा ये हदीस जो है ये सनद दईफ है जबकि ये तेरह उन्नीस वाली जो है आयशा अल्लाह से ये ये हदीस इसकी सनद सही है के बाद ने कहा है कि सनद में असलम तो का अल्लाह रजील से माँ साबित नहीं और लो अली बबाया का तर्जुमा अगर मेरे वाले भी जिंदा कर दिए जाए आगे है तेरह सौ बीस हमने जो पढ़ी है हदीस हाँ जबू सईद खुदरी रजील जो हदीस हमने पढ़ी है ये हदीस जो है ये सही है ठीक है जी और अब्दुल्ला बिन उमर रजील का ये अपना गुमान है हाँ जी ना तेरह सौ बीस है ना इसकी सनद जयीफ है सनद में तेरह सो बीस अबू सईद खुदरी रजिया तेरह सो बीस वाली ये जयीफ है इसलिए कि सनद में जयीफ है और भी है इसको क्लियर कर लीजिए जरा आगे हमारे पास अदीस है तेरह सो इक्कीस हाँ जी है वन इजली मुबर्रक अल इजली रमा व्री रायत कल कहते हैं कुल तो रजीआ मैंने अब्दुल्ल बुमा से यह कहा कि आपकी नमाज पढ़ते हैं क़ाल् वो कहते हैं नहीं कुल तुहफ़ा उमर हो मैंने कहा कि उमर आपके वालद मोहतरम क़ाल तो उन्होंने कहा कि नहीं कुल तुहफ़ा अबू बकर मैंने कहा कि अबू बकर क़ाल वो कहते हैं कि नहीं कुल तुफन नबीस अल्लाह के नबी वसल्लम ने पढ़ी कि नहीं क़ाल कहने लगे लाख मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी नहीं पढ़ी मेरा ख्याल है आखिर में नबी वसलम के बारे में फ़रमाया कि मेरा ख्याल है और बुखारी बिल्कुल सही है अब इतनी वाजा वाद अमल था तो अब्दुल्ला बिनुमरजी नुमा अपने से भी और अपने वालद से भी और अबू बकर से भी और नबी सभी भी यकीनी तौर तो पर नहीं कह रहे तो असल में बात ये थी कि अब अब्दुल्ला बिजली का ये अपना गुमान है जैसा कि उन्होंने आखिर वसल्लम के बारे में ये फैसला नहीं दिया क्यों तो क्या जी तो ये उनका अपना गुमान था तो बाब तत्व नफली नमाज तत्व नफली नमाज फर्ज के अलावा जो है इसमें वो सारी अः सुन रवात सुनते मौक, सुनने मौकदा सारी चीजें इसमें शामिल हैं सलात तहज सारा कुछ अबू हरा रजी सेवाय कॉल वो कहते हैं कला रसूल बिलाल के रसूल सल्ल ने फरमायाजी से इन दस फजर फ़जर की नमाज के वक्त या बिलाल है बिलाल हद दिसमिन मिलता हुझे बताइए वो अमल अपना जिसको तूने किया इस्लाम में सबसे ज्यादा पुरुद अपना हो जिसके बारे में तुम्हें सवाब की बहुत ज्यादा उम्मीद हो इस्लाम फा इन्नी समे तो इसलिए मैंने सुना तेरे जूतों की खड़खड़ाहट आवाज जन्ना। जन्नत में अपने सामने। कहने लगे माँ अमिल तो अमलन मैंने कोई अमल ऐसा तो नहीं किया आर जा हिंदी जो कि ज्यादा सवाब की उम्मीद वाला हो मेरे यहाँ हिंदी मेरे यहाँ या मेरे गुमान में लम अतर बाकी ये जरूर है कि मैंने वज़ू नहीं किया कभी भी अतर तो हूरन मैंने नहीं कभी भी वजू किया फीसात किसी भी वक़्त का नमाज का वक्त है या नहीं मैंने वजू किया मैं लई लिन रात हो वला नहारन और ना दिन में इल्ला सल्ली तो बिजाली को हूर मगर ये कि मैंने पढ़ी उस वज़ू के बाद वजू के दो रखते हैं यानी तहैतल वू वज़ू की दो रखते मैंने पढ़ी या नवाफल पढ़े दो नहीं बल्कि माँ लिया, लिया इतनी अल्लाह ने मुझे तोफीक दी मैं पढूं उसी हिसाब से मैंने कभी भी नमाज नफली नहीं छोड़ी सुबह हो या शाम तो अगर अंदाजा कीजिए कि इसका कितना काम है और कहाँ चलेगा बिलाल तो नफल से मुराद अजीज तलाबा जायद अमल है फर्ज के अलावा बकिया सब नवाफल में शुमार होते हैं नवाफल फ़राइज की कमी को पूरा करते हैं हकीकत में और जन्नत में इसी तरह जन्नत में दराजात की बुलंदी का सबब बनते हैं और इनसे अल्लाह ताला तुरब भी हासिल होता है जन्नत में रसूल वसल्लम की रिफ़ाकत का भी सबब है जैसा कि सबी ने कहा था आप सल्लम की रिफाक़त के बारे में तो आपने फरमाया फ़ा आइनब से

सो तेईस है हमारे पास नेक्स्ट इस्तेखारा की दीस है ऐसी ये दीस एक दो रह गई है ये इनशाला हम कल पढ़ेंगे